हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। फर्स्ट, कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डिस्पैच नंबर किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड का स्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं, कि आपका स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर पहुँचा है और आपके घर पर कब तक आ सकता है, तो उसका स्टेटस आप ऑनलाइन किस तरीके से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों टॉपिक के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिए परिवहन, और उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए आपको उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, दो तरीके हैं ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के। पहले मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही बता देता हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इस पर प्रिंट लाइसेंस डिटेल पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आएंगे। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन इसमें प्रिंट लर्नर लाइसेंस। अगर आप अपने लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डालेंगे और प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। अगर आप अपना कंडक्टर लाइसेंस डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके कंडक्टर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डीएल एक्सट्रैक्ट रीप्रिंट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके रीप्रिंट कर सकते हो डीएल एक्सटेंड। अगर आप रिन्यूअल, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और अदर जितने भी लाइसेंस उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरीका तो ये है। अब एक दूसरा तरीका है, वो जो दूसरा तरीका है उससे आप लर्नर लाइसेंस को तो डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन अदर जितने भी लाइसेंस हैं, चाहे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, रिन्यूअल हो, डुप्लीकेट हो, कंडक्टर हो और एड्रेस चेंज हो, नेम चेंज हो, जितने भी लाइसेंस हैं, उन सभी लाइसेंस को उस तरीके से आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन स्टेटस पर, ये है ना अप्लाई ऑनलाइन, जो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर डालिए। एप्लीकेशन नंबर वही डालनी है आपको जो आपने RTO में फाइल सबमिट की है। अगर आपको नहीं पता वो एप्लीकेशन नंबर क्या था, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख के आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, इसके सामने जो नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी है वो ओपन होके आ जाएगी। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंटर के थ्रू, तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये तो प्रोसेस हो गई दोस्तों कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब दूसरा है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डिस्पैच नंबर किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी पेज पर नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, और जैसे ही आप नीचे आओगे तो इसमें पूरा स्टेटस आपको दिख जाएगा। जैसे कि आपने जो एप्लीकेशन डिटेल है और डॉक्यूमेंट, पेमेंट और अपॉइंटमेंट किस डेट में आपने किए वो सब यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सभी जो भी है, एप्लीकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, फीस, अपॉइंटमेंट, ये सभी इस बंदे का 12 दिसंबर 2019 में किया गया है। उसके बाद ये जो RTO लेवल पे जो प्रोसेस कंप्लीट किया गया है वो 13 तारीख में प्रोसेस कंप्लीट किया गया है। अप्रूव भी हो गया है 13 दिसंबर को। रिकॉर्ड टेस्ट टेस्ट जो रिकॉर्ड है ड्राइविंग टेस्ट का, वो भी हो गया है 13 तारीख में ही। बायोमेट्री भी 13 तारीख में कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद है जो स्मार्ट कार्ड, जो फार्म सेवन है, जो प्रिंटिंग ऑफ डीएल इन फार्म सेवन, जो स्मार्ट कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस का,
वो 17 तारीख में प्रिंट हो चुका है और ये एक्टिव भी एक्टिवेट भी हो चुका है 17 तारीख में, यानी कि 4 दिन बाद ये जो स्मार्ट कार्ड है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद ये जो डिस्पैच है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो डिस्पैच है, वो प्रोसेसिंग 21 तारीख को हुआ है और ये जो डिस्पैच डेट है ये 20 दिसंबर 2019 डिस्पैच डेट है और प्रोसेसिंग जो कंप्लीट हुआ है वो 21 दिसंबर 2019 को ये कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैं स्टेटस आपको बता देता हूँ कि स्टेटस आप किस तरीके चेक कर सकते हो। यहाँ पे तो आपका जो डिस्पैच नंबर है ड्राइविंग लाइसेंस का वो यहाँ पे आ गया है, तो इसके थ्रू आप अपने स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ तक पहुँचा है और संभावित कब तक आपके एड्रेस पर आ सकते हैं, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है ना, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या किसी पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन हमको इसका स्टेटस देखना है। यहाँ पे डिस्पैच मोड, डिस्पैच थ्रू पोस्टल सर्विस, तो पोस्टल सर्विस के थ्रू ये डिस्पैच हुआ है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आर्टिकल ट्रैकिंग, ठीक है, ये आप सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है ट्रैक कंसाइनमेंट इंडिया पोस्ट, इस पर आप क्लिक कीजिए। अगर ये लिंक वर्क नहीं करता तो ये जो सेकंड वाला है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है, डिस्पैच नंबर जो कॉपी किया है आपने, तो EU करके कुछ जो है और लास्ट में IN जो है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा और इसको इवेलुएट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये जो कैप्चा वर्ड है चेंज होता रहता है, कभी कभी बोलेगा कि ये जो थर्ड डिजिट है वो क्या है वो यहाँ पे लिखिए, कभी कभी कहेगा कि इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखिए, कभी कभी सिंपली कैप्चा वर्ड आ जाएगा उसमें कहेगा कि ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे मेंशन कीजिए। तो जैसा भी आपके सामने आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक कीजिए तो इसमें पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। जैसे इसमें है आइटम बुक, यानी 22 अगस्त में ये आइटम बुक हुआ है और उसके बाद 22 तारीख में यहाँ पर पहुँचा है आइटम डिस्पैच, आइटम बुकड, आइटम डिस्पैच, आइटम बैग्ड, आइटम डिस्पैच, आइटम रिसीव। 24 तारीख में आइटम रिसीव हुआ है सिप्रा में। उसके बाद 24 में दिखा रहा है आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए आउट हो चुका है 24 तारीख में ही, और 24 तारीख में ही आइटम ऑन होल्ड डोर लॉक्ड। उसके बाद 25 तारीख में है आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए आउट हो चुका है, और 25 तारीख में ही है सिप्रा में आइटम डिलीवरी कन्फर्म, यानी आइटम डिलीवर्ड हो चुका है और टाइमिंग भी इसमें दे रखा है कि किस टाइम कहाँ पर पहुँचा। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ पर पहुँचा है और कहाँ पर होल्डिंग में है, वो सब आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। अगर आपकी कमेंट्स ज़्यादा होगी तो जितने भी आपकी कमेंट सबको कंपाइल करके उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस YouTube चैनल से ऐसी ही जानकारी रेगुलर पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ की बात करूँ तो काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन मोस्टली व्हीकल रिलेटेड और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसमें व्हीकल रिलेटेड 108 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के आप वीडियो देखना चाहते हो नहीं तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की 145 वीडियो अपलोड कर रखी है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो इसमें आप लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, कंडक्टर और इंटरनेशनल और पेमेंट किस तरीके से कर सकते हो, लाइसेंस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से ले सकते हो, वो सभी वीडियो अपलोड करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।